मेरा नाम संदीप कुमार अग्रवाल है, मेरी मदर का नाम सुमित्रा देवी है। पिछले करीब 11 महीने से जब हमें पता चला वो कैंसर है और एक दो जगह इलाज कराने के बाद हम लोग यहाँ के बारे में सुने हो पे नहीं तो यहाँ आए। पिछले 10-11 महीने से यहाँ इलाज हो रहा है। मेरी मदर की सिचुएशन में बहुत इम्प्रूवमेंट है। शुरुआत में जब यहाँ आए थे तो दो तीन साइकिल कीमो करने के बाद सर ने बोला एक टेस्ट होगा, अगर वो टेस्ट अच्छा रहा तो उनको बॉडी पे शिफ्ट किया जा सकता है टैबलेट पे। वो भगवान की दया से वो टेस्ट अच्छा आया तो उन्होंने टैबलेट पे शिफ्ट किया मेरी मदर को। और पिछले 10 महीनों से मेरी मदर की हालत में इम्प्रूवमेंट ही है, कहीं कोई डिक्लाइन कुछ नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और प्रणाम करता हूँ डॉक्टर सप्तर्षि घोष को, जो उन्होंने मेरी मदर को अधिक भी चेन्नई हर जगह घूमा। जो मेरे साथ यहाँ हुआ वो कोई भगवान की दया थी जो मैं यहाँ पर आया। प्रणाम एंड थैंक यू। नमस्ते। सो आज हम लोग का जो पेशेंट है शी इज़ अ पेशेंट ऑफ लंग कैंसर। तो मतलब जनरली हम लोग सोचते हैं कि स्टेज 4 लंग कैंसर अगर होता है किसी को, एल्डरली पेशेंट है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये अभी धीरे धीरे गलत हो रहा है। हम लोग के सामने ये पेशेंट है जिन जो 1 साल से हम लोग के साथ है और अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। पेट सीटी 3-3 महीने बाद हो रहा है एंड शी इज़ ऑलमोस्ट गोइंग फॉर नियर कॉम्प्लीट रिस्पॉन्स। तो ये कैसे मुमकिन है? तो हमेशा लंग कैंसर में केमोथेरेपी लगता ही है बोल के ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, कुछ ओरल टैबलेट्स है जो टारगेटेड थेरेपी है, EGFR anti-EGFR थेरेपी और एंटी एल्क एंटी ROS1, बहुत सारा टारगेट्स है अभी लंग कैंसर में। तो इसीलिए अभी का जो मेन ट्रीटमेंट होता है, किसी को भी अगर लंग कैंसर है स्टेज 4 भी हो सकता है, एल्डरली भी हो सकता है, तो फर्स्ट इज़ बायोप्सी। बायोप्सी के बाद इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करके हम लोग को पता चलता है ये किस टाइप का लंग कैंसर है। और उसके बाद हम लोग वो NGS टेस्टिंग करते हैं जो कि एक मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होता है जिससे हम लोग को डिफरेंट म्यूटेशंस के बारे में पता चलता है। तो इस पेशेंट हम लोग का ये पेशेंट के साथ भी ये सेम प्रोसेस हुआ था। जब पेशेंट पहले बार आए थे तब घर वाले उनके भी परेशान थे कि लाइक अभी कितना दिन रहेंगे नहीं रहेंगे, तो लकीली हम लोग सब मिलके बायोप्सी एंड IHC किए और उसके बाद EGFR म्यूटेशन पॉजिटिव आया उनका। एक्सॉन 19 डिलीशन बोल के एक म्यूटेशन होता है तो वो वाला पॉजिटिव आया और उसके साथ साथ हम लोग डेकोमिटिनिब बोल के एक टैबलेट चलाए और वो डेकोमिटिनिब वो रोज एक टैबलेट है जो कि वो घर में लेते हैं और उससे उनका बीमारी बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल्ड है। आपके सामने पेशेंट है तो आज मैं यही बोलूँगा कि डोंट इग्नोर पेशेंट्स विथ कैंसर, एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, प्लीज़ गो फॉर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग्स ताकि हम लोग को एग्जैक्टली पता चले कि किस टाइप का ट्यूमर है और इसमें कुछ हो सकता है कि नहीं टैबलेट दे के। तो हमेशा केमो ही देना है ऐसा नहीं है। आज हम लोग का पेशेंट्स का मॉलिक्यूलर वैरायटी हम लोग को पता चलता है और जितना दिन जा रहा है उतना आगे में जाके हम लोग ये सब मॉलिक्यूलर टेस्टिंग्स और भी बढ़ाने वाले हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट अभी सिलीगुड़ी में पॉसिबल है। तो मैं डॉक्टर सप्तर्षि घोष, होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जोटिया गली मोड़ फुलबाड़ी का क्लिनिकल कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट। धन्यवाद।